यस, वेरी गुड, गुड मॉर्निंग। कैसी लगी जगह ऋषिकेश? ब्यूटीफुल, वेल, गुड गुड। सो काफ़ी लोग आ गए हैं, मुझे लगता है 80% 20% अभी भी लोग आने बाकी है, बिकॉज कुछ लोग अलग आश्रम में हैं। बहुत शुरू में यहाँ क्या होता है ना कि जगहें जल्दी मिलती नहीं है, इसलिए हमने 6 महीने पहले ही ये जगह बुक की थी 100 पीपल के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 4 इवेंट्स पैरेलली यहाँ पे हो रहे हैं और किसी के, तो दैट्स वाई इट्स डिफ़िकल्ट। मुझे भी रूम नहीं मिला कल से, तो मैं भी बाहर कहीं रह रहा हूँ, ऐसा है। सो इट्स पार्ट ऑफ द लाइफ। यहाँ पे ऋषिकेश में रिट्रीट करने का मेन मकसद क्या होता है कि यहाँ हमारा कंफर्ट जोन टूटता है, हमारा खाना पीना उठना बैठना सब कंफर्ट जोन टूट रहा है, बिकॉज जो घर में आपकी लग्जरी होती है, जो कंफर्ट होता है, वो यहाँ पे बिल्कुल नहीं मिलेगा। और शिव की नगरी में ये खासियत होती है, पिछले 11 साल से ये मेरी 99th विजिट है ऋषिकेश में, एंड दिस इज़ 44th रिट्रीट जो हम यहाँ पर कर चुके हैं। तो ये एक स्पेशलिटी है यहाँ की कि जितना टूटोगे उतना उठोगे, है ना। शिव जी आपको शून्य करके ही जाएंगे। तो कल से मैं देख रहा हूँ काफ़ी लोग अनकंफर्टेबल है अपने रूम से, अपने रूम पार्टनर से, फूड से, यहाँ पे कुछ शेड्यूल नहीं है, यहाँ पे कोई मैनेजमेंट नहीं है। हम भी शिवा बन गए आप लोग के लिए, अभी आप भी हमारे लिए शिवा बन गए, हमें भी तोड़ रहे हो। सो दिस इज़ हाउ द अपलिफ्टमेंट हैपन। रिट्रीट का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे आप एनलाइटन होके जाओगे, कोई मोक्ष या निर्वाणा की कोई प्राप्ति होगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। रिट्रीट में क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ, बिकॉज मोर देन अभी 1000 से ज़्यादा हमारी रिट्रीट हो चुकी है पिछले 27 ईयर्स से। तो रिट्रीट में हर चीज़ यहाँ फॉर्मेट हो जाती है, रीप्रोग्रामिंग होती है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, डिटॉक्सिफिकेशन होता है, कैथारसिस होती है, कर्म क्लियरेंस होती है। ये रिट्रीट में खासियत और छोटी छोटी चीज़ों की होती है कि मैंने तो ये कभी सब्जी कितने साल में नहीं खाई, आज यहाँ खाना पड़ रहा है ना, मैंने तो सोचा नहीं था ऐसा होगा, यहाँ पे ऐसा हो रहा है करके। तो ये बहुत छोटी चीज़ जो हम घर पे बैठ के तोड़ नहीं सकते, अपने आप को बदल नहीं सकते, अपने आप को चेंज नहीं कर सकते, वो यहाँ ऋषिकेश में बहुत ईजीली होगा। रीज़न क्या है इसका मैं आपको बताता हूँ। यहाँ कितने संतों ने, साधुओं ने साधनाएँ की हैं, यहाँ समाधियाँ ली है, लाइव समाधियाँ ली है, तो उन्होंने इंटेंशन यही यहाँ पर छोड़ के गए हैं कि आप और हम सब जन्म और मृत्यु की से मुक्ति पाएँ, ये साइकिल से बाहर आए। इज इट राइट? तो अगर आप टाइम इन्वेस्ट नहीं करोगे, मनी इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे, और अगर आप ऐसी जगह पे नहीं आओगे तो कहीं पे नहीं हो सकता, बिकॉज यहाँ कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस पैटर्न यहाँ सेट की गई है। इज इट राइट और रॉन्ग? अभी कपड़ा कहाँ बनता है? लूम में ही बनता है कि नहीं? कोई मेडिकल स्टोर में थोड़ी कपड़ा बनेगा। जहाँ पे जो चीज़ डिज़ाइन की गई है ना नेचर ने, वहीं पे चीज़ें बनती हैं, ऐसा नहीं होता। तो हम कभी केव्स में जाते हैं, कभी एंशियंट टेम्पल्स में जाते हैं, कहीं शक्तिपीठ पे जाते हैं, कहीं पे जहाँ समाधियाँ होती वहाँ पे जाते हैं, तो वहाँ से एनर्जी मिलती है। जैसे ये रिट्रीट को मुझे ज़्यादा सक्सेसफुल करने के लिए 5 दिन कलकत्ता रहना पड़ा, अभी दुर्गा पूजा में, काफ़ी लोगों को पता है, वहाँ मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ अपने आप की एनर्जी को अपलिफ्ट किया, समझ में। और आप सभी लोगों को मैं वहाँ से हील कर रहा था, जैसे जैसे मैं रजिस्ट्रेशन के व्हाट्सअप ग्रुप्स चेक कर रहा था, कौन आ रहा है कौन आ रहा है कौन आ रहा है, उनको मैं हील कर रहा था, वहाँ से एट्यून कर रहा था, बिकॉज मुझे पता है काफ़ी बाधाएं आई, कुछ लोग नहीं भी आ पाए अनफॉर्चुनेटली, और कुछ लोग लास्ट मोमेंट पर डिसाइड किया मार रहे हैं। सो दैट इज़ या काफ़ी लोग हैं, 3-5-6 लोग हैं जो लास्ट मोमेंट में डिसाइड किए। तो रीज़न क्या होता है ना, कहीं हमारी एनर्जी कम पड़ जाती है यहाँ आने तक, इसलिए बहुत दिक्कतें होती है ट्रांसपोर्टेशन में, डिसीजन लेने में, फाइनेंस को अरेंज करने में, काफ़ी चीज़ें दिक्कत होती है। और काफ़ी लोग यहाँ आने के बाद सोचते हैं हम करेंगे नहीं करेंगे, देखेंगे पहले सोचेंगे, ऐसे भी होता है, डजंट मैटर, इट्स पार्ट ऑफ द लाइफ, समझ में आ रहा है कि नहीं। लेकिन अगर आपने एक बार सोच लिया कि नहीं मुझे अपने आप को बदलना है, तो रिट्रीट से अच्छी जगह कुछ नहीं होती है। और साई करुणा मिशन की रिट्रीट की खासियत क्या है ये मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे 3 चीज़ें होती है, ऐसे तो 4 होते हैं लेकिन 3 मेन होती है। पहली चीज़ ये होती है, यहाँ रिचुअल्स को ना हायर कॉन्शियसनेस से समझा जाता है, कि यहाँ जो धर्म की क्रियाएं रिचुअल्स होती है ना, धर्म कर्मकांड जिसको कहते हैं, है ना, उसको समझा जाएगा यहाँ पे। सेकेंड थिंग, यहाँ को हमें स्पिरिचुअलिटी लेवल से समझा जाएगा, मतलब स्पिरिचुअलिटी एक्चुअल क्या होती है ये हमें यहाँ समझाया जाएगा। तीसरी यहाँ की स्पेशल क्वालिटी है साई करुणा मिशन में कि हम हर चीज़ ऑरा ईएसटेक
कॉम्प्लेक्स से करते हैं, फुल बॉडी स्कैन से करते हैं, जहाँ से आपको बताया जाएगा कि आपके अंदर कमियाँ खामियाँ कहाँ पे, आपके अंदर इंटेलिजेंसी कहाँ पे, आपकी खूबियाँ कहाँ पे, आपके अंदर जो एक क्या कहते हैं सोल पोटेंशियल है वो कहाँ पे, कौन से सब्जेक्ट की है, तो वो यहाँ से आपको हमको आपको गाइड करना है, इज़ इट राइट। फोर्थ चीज़ ये है यहाँ पे जो बहुत कम लोगों ने शायद नोटिस किया है कि हम आपस में ही स्पीकर हैं, हम आपस में ही एक दूसरे के टीचर हैं, हम आपस में एक दूसरे के गुरु हैं, हम आपस में एक दूसरे के मास्टर हैं। ये बहुत यूनिक चीज़ें हैं, ऐसे बहुत कम कहीं पे दिखेगा कि कोई जो ऑर्गेनाइज़र का जो मेन पर्सन होता है वो भगवे कपड़े में होता है, उसका एक ड्रेस अलग, कोड अलग होता है, उसका खाना पीना अलग होता है, उसके साथ दो चार बॉडीगार्ड या फॉलोअर्स होते हैं जो आने नहीं देते, मिलने नहीं देते। हम तो यहाँ सब लोग फ्रीली अवेलेबल हैं, आपने देखा कि नहीं, जितने पहले भी रिपीटर्स हैं उन्हें भी पता है, हम सारे स्पीकर्स लोग फ्रीली अवेलेबल है, व्हाट्सएप पे भी अवेलेबल हैं, फिज़िकली भी अवेलेबल है। ये बहुत यूनिक चीज़ है कि यहाँ पे हम ही एक दूसरे को गाइड करेंगे, हम ही एक दूसरे को अपलिफ्ट करेंगे, हम ही एक दूसरे को एनलाइटन करेंगे। इसके लिए कोई बड़ा ऐसा कोई पर्सन ऐसा नहीं होगा यहाँ पे, नहीं तो ये दिमाग में रह जाएगा ये तो वो कर सकता है, मैं नहीं कर सकता, वो तो ब्रह्मचार्य है, वो तो संसार छोड़ के बैठा है, ये मैं नहीं कर सकता हूँ, इज इट राइट, वो तो साधक है, वो तो हिमालयन योगी है, वो तो स्वामी जी है, वो तो गुरु जी है, ये शब्द नॉर्मली हम अपने माइंड में एंकरिंग करके बैठे हैं, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। हम हर लेमैन को यहाँ पे फुल अधिकार है, गॉड ने दिया है वापस उसी एनलाइटन फॉर्म में आने के लिए जो ओरिजिनल हमारा सोल का फॉर्म है, इज इट राइट और रॉन्ग। हम डाइल्यूट या पॉल्यूट कहाँ पे हो गए, माइंड के वजह से, डिज़ायर्स के वजह से, मैनिफेस्टेशन के वजह से, इच्छाओं के वजह से, इसलिए थोड़े पॉल्यूट हो गए हम। और मैं तो पॉल्यूट भी नहीं कहूँगा, इट्स पार्ट ऑफ द जर्नी। काफ़ी 2020 से हम देख रहे हैं, जब से कोविड आया, हमने कोविड में भी यहाँ पे 5-6 रिट्रीट्स किए कि लोग आ नहीं रहे थे यहाँ पे, मतलब पहुँच नहीं पा रहे थे, हम तो इजीली यहाँ पे पहुँच रहे थे। इसका रीज़न क्या है ना कि हमारे साथ एक फोटोन की एनर्जी है, एक ऑरा की एनर्जी है जिसको लेके हम घूम रहे हैं। हमने पूरे लॉकडाउन में 54 रिट्रीट्स किए, वृंदावन में, कलकत्ता में, दुबई में, सिंगापुर, कितनी जगह पे हमने किए, जहाँ पे लोग नहीं पहुँच पाते थे हम पहुँच जाते थे, और स्टूडेंट्स भी आराम से पहुँच जाते थे, और किसी को कोविड पॉजिटिविटी नहीं होती थी, इज इट राइट। इसका रीज़न क्या है, हम एक लाइट के साथ चलते हैं, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ चलते हैं, एक पॉजिटिव इंटेंशन के साथ चलते हैं, एक पॉजिटिव थॉट के साथ चलते हैं, इज इट राइट। तो अल्टीमेटली यहाँ होगा क्या, क्योंकि यहाँ पे 6 ग्रुप्स हैं, एक बेसिक ग्रुप है, एडवांस ग्रुप है, इज राइट, PLR ग्रुप है, एक ऑरा का ग्रुप है, एक केव्स का ग्रुप है, और एक बच्चों का ग्रुप है। ये पहली बार ऐसे हुआ है यूनिकली कि 6 रिट्रीट एक साथ यहाँ पे हो रहे हैं, और हर बार यहाँ 100 तक मैक्सिमम लोग आए हैं। यहाँ पहली बार हुआ है कि 126 लोग हम लोग यहाँ पे हैं इस 6 ग्रुप के अंदर। तो आपको हर एक ग्रुप का कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस मिलेगा, ऐसा नहीं कि आप जिस ग्रुप में उसी का आपको नॉलेज मिलेगा, ऐसे यहाँ पे नहीं होने वाला है। बेसिक वालों को एडवांस भी मिलेंगे, उनको PLR वाले भी मिलेंगे, उनको ऑरा वाले भी मिलेंगे, और आपको हर एक अलग अलग ग्रुप का एसेंस पता चलेगा कि उस ग्रुप में ऐसा क्या सीखने जैसा है, तो मे बी नेक्स्ट टाइम आप उसमें आ जाए, इज इट राइट। बिकॉज हर लेवल पे कुछ अलग होता है कि नहीं, हम स्कूल में कुछ अलग सीखे, ग्रेजुएशन में कुछ अलग सीखे, पोस्ट ग्रेजुएशन में अलग सीखे, ऐसा नहीं कि हमें एक ही क्लास में सब कुछ सिखाया गया, ऐसा होता है कभी, हाँ कभी नहीं होता है ना, हर एक क्लास में जाना पड़ता है ना। मतलब आज अगर मैं डॉक्टर हूँ और मैं जब इनकम टैक्स पे करता हूँ तो मुझे CA को पूछना पड़ता है कि भाई मुझे वाइट कैसे शो करने हैं, ब्लैक कैसे शो करने हैं, मुझे ट्रांजैक्शन कैसे करना है, मुझे ड्राफ्ट कैसे बन, हर चीज़ मुझे कॉमर्स वाले को पूछना पड़ता है, इज इट राइट और रॉन्ग। तो यहाँ हम लोग हैं ना पूरा अलग अलग माइथोलॉजी सीखने को आए हैं, मतलब एक ह्यूमन माइथोलॉजी है, एक गॉड की माइथोलॉजी ग्रंथों में होती है। आपने देखा ना बाइबल, कुरान, भगवत गीता, ये सब गॉड गुरुओं की माइथोलॉजी होती है। हम और आप बहुत लेमैन है, लेमैन की माइथोलॉजी को रिट्रीट में सीखा जाता है, बिहेवियर पैटर्न को, एनवायरमेंट को, थॉट पैटर्न को, इमोशनल पैटर्न को, कर्मा पैटर्न को, इज इट राइट। और ये कलयुग में ना जब से कोविड स्टार्ट हुआ है, आपने नोट किया है यहाँ पे अलग अलग हाइब्रिड वर्जन्स बन रहे हैं। हाइब्रिड वर्जन का मतलब मैं आपको समझाता हूँ क्या होता है। हम लोग ने ना लॉकडाउन में ना बहुत अलग अलग टाइप के यूट्यूब पे मेडिटेशंस किए कि नहीं, अलग अलग योगा सीखे, अलग अलग हीलर्स के पास गए, कुछ लोग ने एक्यूप्रेशर सीखा ऑनलाइन पे, ऑफलाइन पे। तो हम धीरे धीरे ना अभी हाइब्रिड वर्जन के स्पिरिचुअलिटी होते जा रहे हैं। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं, आजकल कार भी हाइब्रिड आती है कि नहीं, माइलेज ज़्यादा देती है, आपने देखा कि नहीं, इज इट राइट।
तो ये हाइब्रिड वर्जन का फायदा क्या है, हम कम समय में ना अलग अलग नाड़ियाँ खोलेंगे, बिकॉज 72,000 नाड़ियाँ खोलनी है, कितने चक्रस ओपन करने हैं, कितने ऑसिलेशन ठीक करने हैं, कितनी फ्रीक्वेंसीज ठीक करनी है, कितने यंग इन के लेसन सीखने हैं, मस्कुलिन फेमिनाइन्स के लेसन सीखने हैं, तो ये जो अलग अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ऑफ अवर लाइफ का जो इश्यूज चल रहा है ना, कि किसी का मैरिज नहीं हो रहा है, किसी का बिजनेस नहीं ग्रो हो रहा है, कोई प्रोफेशनली ग्रो नहीं हो रहा है, किसी के कुछ कोर्ट कचहरी के केस चल रहे हैं, ये इसलिए हो रहे हैं क्योंकि कुछ नाड़ियाँ बंद हैं, उसके वजह से ये इश्यूज़ चल रहे हैं। यहाँ पे कोशिश करना उस नाड़ियों को खोलने के लिए, तो यहाँ से जाने के बाद आपके इश्यूज़ ठीक हो जाएंगे। समझ में आ रहे हैं कि नहीं? बिकॉज ये डायरेक्ट किसी की ब्लेसिंग से नहीं होने वाला है कि कोई आपको गुरु हाथ लगाए और आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा, ये ऐसे यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे आपको कुछ ज्ञान लेना पड़ेगा, कुछ नॉलेज, कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ एक्सपीरियंसेस लेने होंगे, और जो यहाँ आपके कनेक्टेड सोल्स हैं ना, उससे आपको फॉरगिवनेस सीख करनी पड़ेगी। कॉन्शियसली शायद आप जानते होंगे कि मेरा किसके साथ कौन से जन्मों का कर्म है, और नहीं जानते होंगे तो जब यहाँ पे पास्ट लाइफ रिग्रेशन का सब्जेक्ट होगा, वहाँ पे काफ़ी लोगों को आपको समझ में आ जाएगा कि मेरा इनमें से किसका कर्म जुड़ा हुआ है जिसके वजह से मेरी कहीं गाड़ी अटकी पड़ी है। तो जैसे आप उससे फॉरगिवनेस सीख करते हो, आपके नाड़ियाँ कुछ खुल जाएंगे, कुछ चक्रस खुल जाएंगे और आपके इश्यू सॉल्व हो जाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसको हम कहेंगे क्या, इट्स अ सोल रीयूनियन प्लेटफॉर्म, इज इट ओके? मैं वापस रिपीट करता हूँ, इसको क्या कहेंगे, सोल रीयूनियन। हम वापस मिले, जैसे स्कूल कॉलेज वाले वापस मिलते कि नहीं, हम काफ़ी लोग मिलते कि नहीं, स्कूल के जो भी फ्रेंड्स थे, कॉलेज के फ्रेंड्स थे, कुछ पुराने सोसाइटीज़ के थे, तो हम भी सोल रीयूनियन किए हैं। हमने आपको ये एक प्लेटफॉर्म दिया है वापस एक दूसरे को मिलने के लिए। आप जानते हैं नहीं जानते हैं, दैट्स डजंट मैटर, आपको यहाँ क्लियर करके जाना है। बिकॉज क्वांटम फिजिक्स थियोरी के हिसाब से आपके अंदर जो डार्क साइड्स है, जो आपके कर्म के ब्लॉकेज है, उसका कहीं ना कहीं सॉल्यूशन इसी किसी में से है। मैं आपको साइंस के हिसाब से समझाता हूँ। आप में से कितने लोगों ने कास्ट की टेस्ट की है, CAST, कितने लोगों ने की है, किसी ने की है? ये पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन है, CAST, कास्ट कहते हैं इसको। इससे क्या होता है, कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट इसको कहते हैं, कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट। इसमें ये पता चलता है कि आपके अंदर जो बैक्टीरिया वायरस है, उसको कौन सी एंटीबायोटिक सूट होती है, कौन सी एंटीवायरल मेडिसिन सूट होती है, इज इट राइट? ये टेस्ट कब होती है, जब आपको खांसी है और आपने बहुत एंटीबायोटिक ट्राई की और आपका ठीक नहीं हो रहा है, तो डॉक्टर कहेंगे अभी आपकी कास्ट टेस्ट करनी पड़ेगी। ये बहुत कम लोग को पता है, बिकॉज जो हम लोग रिसर्च करते हैं मेडिकल फील्ड में, हमको पता है करके। तो यहाँ पे ऑरा की जो टेस्टिंग है, जो ESTEC की टेस्टिंग है ना, ये कास्ट की टेस्टिंग है, CAST की टेस्टिंग है। यहाँ पे यहाँ ये आपको पता चलेगा आपका कार्मिक क्या है, पितृदोष है, काल सर्प दोष है, या आपका ग्रह का दोष है, वास्तु का दोष है, पास्ट लाइफ का कर्म है, पैरेंटल कर्म है, ये आपको यहाँ पता चलेगा। और इसका टेस्ट का निवारण करने के बाद आपको सॉल्यूशन भी दिया जाएगा कि इसके लिए कौन सा सिंबल यूज़ करना है, वूम रिग्रेशन करना है, जेनेटिक रिग्रेशन करना है, पास्ट लाइफ करना है, प्रेजेंट लाइफ करना है, कौन सा क्रिस्टल पहनना है, कौन सा एफर्मेशन बोलना है, कौन सा मंत्र चैंट करना है, कौन से कलर्स को ज़्यादा अप्लाई करना है अपनी लाइफ में, ये सब यहाँ पर बताया जाएगा। इज इट क्लियर द कास्ट? ये कहीं नहीं हो सकता। कहाँ हो सकता है, जहाँ पे एनर्जी टेस्टिंग होती है, जहाँ एनर्जी चेकिंग होती है, वहाँ पे कास्ट होगा। नहीं तो आपको तो पता ही नहीं कि मेरा अगर मणिपुर चक्र ब्लॉक्ड है, तो वो मुझे क्या गुरु का कोई कर्स लगा है, कोई दोष लगा है, या पैरेंटल कर्म है, आपको तो पता ही नहीं, इज इट राइट? और कौन बताएगा, जिसको बार बार लूज मोशन होते हैं, गैस्ट्रिक इन्फेक्शन होते हैं, अल्सर्स होते हैं, कैंसर स्टमक के होते हैं, डॉक्टर तो कभी बताएंगे नहीं ना कॉज क्या है आपके इसके पीछे, इज इट राइट? कितनों को माइग्रेन है, कितनों को स्पॉन्डिलाइटिस है, कितनों का हार्मोनल इम्बैलेंस है, कितनों का वेट बढ़ रहा है, कितनों की इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम है, डिवोर्सीज हैं, या अर्ली मैरिज ये डिस्टर्बेंस रिलेशनशिप में, ये आपको पता ही नहीं कि इसके पीछे कॉज क्या है। और जब तक कारण नहीं जानोगे, मुझे ये बताओ आप उसको सॉल्व कैसे करोगे, इज इट पॉसिबल? पॉसिबल नहीं है। हमारे बॉम्बे में हिंदुजा हॉस्पिटल करके है, जहाँ पे ये टेस्ट बहुत होती है, एक ही डिपार्टमेंट है कास्ट का, जहाँ पे ऑटो इम्यून डिजीज को चेक किया जाता है, वहाँ पे ये कास्ट की चेकिंग होती है, नॉर्मल हॉस्पिटल्स में कम होती है। तो ऐसे ये जो ऑरा और ESTEC स्कैन मशीन जो हम यहाँ पे लाए हैं, हम उस
कि इन्वेस्टिगेशन के जरिए आपको बताएंगे। तो मैं तो सिर्फ आपसे इतना रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, उसको जेन्यूनली फॉलो कीजिए, उसको टेक फॉर ग्रांटेड मत लीजिए कि ठीक है और आप बोल दिया हाँ ठीक है यहाँ लो एनर्जी इधर हाई एनर्जी, ऐसा नहीं है। इसके पीछे ना बहुत बड़ा आपका एक क्लियरेंस छुपा हुआ है, समझ में आ रहा है कि नहीं। लोग एंटीबायोटिक जब डॉक्टर्स लिख के देते ना 5 डेज आपको ये लेनी है, लोग 2-3 दिन लेते छोड़ देते, बोलते नहीं अब ठीक हो गया अब मैं क्यों लूँ। लेकिन उसके बाद एक क्या होता है ना, ये दवाई बाद में कभी काम नहीं आएगी, क्यों? क्योंकि आपने बीच रास्ते पे इस दवाई को छोड़ दिया है। तो दूसरी बार जब ये मेडिसिन खाओगे ना, आप बोलेंगे आज तो काम ही नहीं कर रही, पिछली बार तो बहुत काम कर दिया। तो ये जो अनहील पार्ट है, अनलर्न लेसन है, जिसको आपने क्लोजर नहीं किया अपनी पास्ट लाइफ में या प्रेजेंट लाइफ में ना, ये आपको तकलीफ दे रही है, और कोई इंसान आपको तकलीफ नहीं दे रहा है, समझ में। खुले जख्म को लेके घूमना नहीं होता, इज इट राइट? जब कहीं जख्म होता है और खुला छोड़ देते हो तो क्या होगा, इन्फेक्शन होगा कि नहीं, है ना, कीड़े अंदर जाएंगे, दूसरी बैक्टीरिया वायरस अंदर जाएंगे। तो यही होता है कि आपके ऑरा में ना काफ़ी अनहील पार्ट है, काफ़ी अनक्लोजर इश्यूज़ हैं, रिलेशनशिप इश्यूज़ हैं, इसलिए आपके प्रॉब्लम्स है, कुछ फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस है और फाइनेंशियल अनक्लोजर मैटर्स है कि कभी किसी को आपको देना था और आपने नहीं दिया, और इस वजह से आपको नहीं मिल रहा है पैसा, इस वजह से जॉब नहीं मिल रहा है, इस वजह से आपको अच्छा कोई बॉस नहीं मिल रहा है, आपका बिजनेस ग्रोथ नहीं हो रहा है, क्योंकि क्लोजर नहीं किया था ना, इज इट राइट? तो यहाँ 5 दिन आपको क्या करना है, अच्छे से उसको हील करना है, क्लोजर करना है। और यहाँ पे एक हॉनेस्टली आपको एक मैं एक्सपीरियंस बताता हूँ, ये जितने लोग भी यहाँ पे बैठे हुए हैं ना, अगर कोई भी कोई कुछ भी बात आपसे करे ना, समझ लो ये डिवाइन गाइडेंस है, डोंट टेक फॉर ग्रांटेड। ये मत बोलना कि नहीं ये कौन होता है बोलने वाला, ये तो मेरा पार्टनर है, ये तो खुद अभी बेसिक क्लास में है, मैं तो एडवांस क्लास में हूँ, ऐसे कभी नहीं करना। मेरी लाइफ की सबसे खास बात क्या है पता है, मैं बहुत ब्लाइंडली फेथ करता हूँ, मैं बहुत ब्लाइंडली ट्रस्ट करता हूँ किसी पे भी। मतलब अगर आप में से कोई भी पास्ट लाइफ में जाने के बाद बोलेगा सर आपके लिए एक मैसेज है कि सर आपको यहाँ जाना है, मैं चले जाऊँगा। आज से 11 साल पहले ऐसे ही हुआ था, पंचगनी के रिट्रीट में एक साई अशोक करके एक बंदे आए थे जो साउथ इंडियन पर्सन थे, उसको हिंदी इंग्लिश नहीं आती, हिंदी मराठी नहीं आती थी, सिर्फ इंग्लिश ही आती थी। तो जब वो पास्ट लाइफ में गए, ही गॉट कनेक्टेड टू माँ अवतार बाबा जी, और उन्होंने मुझे मैसेज दिया कि आपको ऋषिकेश जाना है, आपको बद्रीनाथ जाना है, और आपको आपके कुछ क्लोजर्स करने हैं। यहाँ पे एक रागिनी मैडम भी है, उन्होंने भी हमें ये मैसेज दिया था उस वक्त कि आपका कोई बद्रीनाथ का कोई पास्ट लाइफ इनकम्प्लीट है और आपको वहाँ जाना है। तो दोनों मैसेज मुझे एक ही टाइम पे मिले, वहाँ रिट्रीट में मिले, इनके पास्ट लाइफ में मिले। मैंने उसको बहुत सीरियसली लिया, मैं उन 12 लोगों को ले आया यहाँ पे ऋषिकेश में 2013, 10 साल पहले, और उन 12 लोगों के साथ मैंने 12 दिन की यहाँ पे स्पिरिचुअल जर्नी की, क्लोजर किया, और उसके बाद से यहाँ पे मेरे कंटिन्यूस आना शुरू हुआ, रिट्रीट्स कंटिन्यू हुए। अगर वो मैसेज को मैं फॉलो नहीं करता, मैं सोचता ये कौन होते बोलने वाले, मुझे तो ऐसा कोई मैसेज नहीं आया, तो शायद आप लोग भी यहाँ नहीं आते, मैं भी शायद इधर नहीं आता, इज इट राइट? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो कहीं से भी जो मैसेज मिले ना, टेक इट सीरियसली, डोंट टेक फॉर ग्रांटेड कि ये क्या होता है, ये कौन बोलने वाला है, डोंट डू इट। क्योंकि क्या है, आपके ऑरा में ना, आपकी ऑरा एक खुली किताब है, कोई भी इंसान कब पढ़ लेगा ना पता नहीं चलता, और किसके थ्रू आपका मास्टर गुरु गाइड करेगा ना ये भी पता नहीं चलेगा, इज इट राइट? तो ये वेट मत करना कि डॉक्टर उदेशा बोलेंगे तो ही हम सुनेंगे, SKM की टीम बोलेगी, स्पीकर बोलेंगे तो ही हम सुनेंगे, ऐसे कभी मत करना। मुझे आज से 28 साल पहले मेरे एक अंकल थे, जब मैं रामकृष्ण हॉस्पिटल में मेडिकल प्रैक्टिस कर रहा था, मुझे कहा कि उदय तेरी राशि है ना वृषभ राशि है, मैंने कहा हाँ, तो बोलते तेरे 5 राशि वाले दुश्मन है, तो मैंने कहा तो उन्होंने कहा ये 5 राशि से तू बच के रहना, तो मैंने कहा तो इसका सॉल्यूशन क्या है, तो उन्होंने मुझे कहा मैं तुझे एक जेमस्टोन देता हूँ तू पहन ले, तो मैंने कहा ठीक है मैं पहन लेता हूँ। तो उन्होंने मुझे एक जेमस्टोन दिया उस वक्त पे, 1996 की बात कर रहा हूँ, और वो मैंने पहना कंटिन्यूसली, और मुझे सही में उसका बहुत फ़ायदा हुआ। अब 10 दिन पहले मैं जब ऋषिकेश आ रहा था, वो जेमस्टोन मेरे से घूम गया, पता नहीं कैसे घूम गया, पता नहीं 28 साल तक मेरे साथ था, और जैसे घूम गया ना मुझे लगा कि कुछ तो वापस इश्यू हो रहा है, तुरंत मैंने ये जेमस्टोन नया पिछले हफ्ते मैंने ले लिया। सी इट्स मैटर ऑफ हाउ मच रिलीजियसली यू आर फॉलोइंग द प्रोटोकॉल, आप उस चीज़ को कितना सीरियसली ले रहे हो, इज इट राइट? भले हम कितना भी कहें कि हम इस लेवल पे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई लेवल पे कोई चीज़ अधूरी है ना, उसको करनी पड़ती है, इज इट राइट? कुछ लोगों को आज भी पितृदोष का निवारण करना पड़ता है, आज भी पिंडदान करना पड़ता है, आज भी काल सर्प दोष का निवारण करना पड़ता है। आप रिलीजियसली करो या स्पिरिचुअली करो, दैट इज
मैटर ऑफ योर चॉइस, इज इट राइट? मेरा जब वो स्टोन घूम गया ना, उस दो दिन बाद ना मेरा एक सन क्रिस्टल था जो मैं इतने साल से पहन रहा था वो भी टूट गया। तो मैं समझ में आ गया मुझे कि कुछ तो मेरी एनर्जी कम पड़ रही है जिसके वजह से ये चीज़ें मेरे से डिटैच्ड हो रही है करके। तो मैंने वो सन क्रिस्टल को भी बनाने दे दिया, मैंने ये जेम स्टोन भी पहन लिया। तो क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं बेस्ट परफॉर्मेंस देना है, मुझे लाइफ में प्रोग्रेस होना है, तो उसके लिए मैं कुछ भी करूँ। अब उस टाइम पर मैंने 251 रुपीज़ का वो जेम स्टोन लिया था और इस वक्त मैंने ये 71,000 का ये जेमस्टोन लिया। यू कैन थिंक द डिफरेंस ऑफ द कॉस्ट। समझ में आ रहा है कि नहीं? मैं क्यों बता रहा हूँ कि कोई भी चीज़ इतनी सस्ती नहीं होती, इतना इजी नहीं होता। आज यहाँ पे आप भी आए हो तो कितना पैसा खर्च करके आए हो, कितना आपने ट्रेवलिंग एक्सपेंस किया है, कितना आपने यहाँ पे किया है। बट ट्रस्ट मी, इट विल बी रियली वर्थ व्हेन यू गो बैक। आपको तब समझ में आएगा कि अरे इतना पैसा खर्च करने के बाद सही में मुझे तो क्या ज़बरदस्त कुछ मिला है। आप सोचो ये जो रिपीटर्स यहाँ पे हैं, जो बार बार यहाँ पे आते, कुछ तो होगा कि नहीं? आप बेसिक वाले चलो फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन कितने रिपीटर्स है जिन्होंने 10 रिट्रीट की है, 20 की है, 25 की है, 40 रिट्रीट की है? ऐसा तो कोई कहीं टाइम वेस्ट नहीं करता, ऐसे तो कोई यहाँ पे पैसे वेस्ट नहीं करता। उसके पीछे कुछ तो होगा कि नहीं साइंस, इज इट राइट? मैं भी अगर 28 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो कुछ तो साइंस होगा कि नहीं पीछे? अदरवाइज तो मेरी मेडिकल प्रैक्टिस वॉज इनफ फॉर मी टू अर्न द मनी। मुझे ये सब चीज़ करने की क्या ज़रूरत है? ये प्रोजेक्टर अरेंज करो, ये माइक अरेंज करो, ये हमारे दो पूरे गाड़ियाँ भर के यहाँ पे सामान आया, आपका तो अपना लगेज आया है। हमें सोचिए कितना लगेज यहाँ लाना पड़ा, हमारे 3 चक्कर तो ऋषिकेश हुए सिर्फ सामान लेके आने जाने में। तो वाई वी आर टेकिंग सो मच पेन, सो मच एफर्ट्स वी आर टेकिंग जस्ट टू गिव यू द रिजल्ट, इज इट राइट? दिस इज द एनर्जी एक्सचेंज। आपने जो हमें पे किया, हम यहाँ पे करते हैं, आपका मनी यहाँ के आश्रम में जाएगा, यहाँ कैटरिंग में जाएगा, ये पैसा उनके गांव में जाएगा, जहाँ तक आप नहीं पहुँच सकते वहाँ पे आपका पैसा पहुँच रहा है। तो ये कर्म क्लियरेंस हुआ कि नहीं? इज इट राइट? फिर आपने 18,000 पे किया या 25 पे किया या 13 पे किया, दैट्स एन इररिलेवेंट थिंग। द थिंग इज आपके हाथ से कुछ छूटा, यहाँ गया और यहाँ से कहाँ कहाँ गया ये आप सोच भी नहीं सकते। दैट इज कॉल्ड क्वांटम पार्टिकल एंड द मनी एक्सचेंज एनर्जी। शायद आप उनके गांव में नहीं जाओगे कर्म क्लियर करने के लिए, लेकिन यहाँ जो बंदे काम कर रहे हैं, ये जो फर्नीचर वाले हैं, ये जो सब मैनेजमेंट वाले, इनके कहीं ना कहीं तो फैमिलीज कहीं तो होगी कि नहीं? ये पैसा जाएगा कि नहीं वहाँ पे? इज इट राइट? सो इट्स नेवर वेस्ट, इट्स ओनली अ सर्कुलेशन। आपको कुछ अटकाना नहीं है। जैसे गंगा माँ फ्लो हो रही है कि नहीं यहाँ पे, देखा ना आपने? आपको भी फ्लो होना है लाइफ में, मनी को फ्लो होने देना है, आपकी लिम्फेटिक फ्लो होनी है, आपकी ब्लड स्ट्रीम फ्लो होनी है, आपका नर्वस सिस्टम फ्लो होना है, सब कुछ फ्लो होना है। कोई चीज़ यहाँ स्टक नहीं होनी है। जो चीज़ पकड़ोगे ना उसका आपको भरपाई करना पड़ेगा। आपने इमोशंस को पकड़ा, ट्रॉमा को पकड़ा, एक्सीडेंट को पकड़ा, धोखे को पकड़ा, किसी ने चीट किया, किसी ने फ्रॉड किया, ये चीज़ जो आपने पकड़ी है ना, इसलिए आप सफ़र कर रहे हो। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? जो चीज़ आपने पकड़ी है उसके लिए सफ़र कर रहे हो, जो चीज़ आपने पकड़ी नहीं है तो क्या प्रॉब्लम आपको? हम गंगा स्नान करते हैं तो कभी कभी हमें डर लगता है कि कहीं बह तो नहीं जाएंगे, तो हम वो चेन पकड़ के स्नान करते हैं, तो बहुत मज़ा आता है स्नान करने में। लेकिन जब हम स्नान करके बाहर आते हैं ना, तो ऐसा तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन एक जगह पर बहुत तकलीफ होती है। कहाँ पर? हाथ में, जहाँ पर हमने चेन पकड़ी थी, क्योंकि यहाँ ब्लड सर्कुलेशन स्टक हो गया, तो फिर थोड़ी देर हाथ पेन करता है। इज इट राइट? और अगर बगैर चेन पकड़े हम अगर स्नान करते हैं तो कोई पेन ही नहीं होगा, बिकॉज आप फ्लो कर रहे थे, आप माँ पे ट्रस्ट कर रहे थे कि माँ आपको डूबने नहीं देगी, माँ आपको कहीं जाने नहीं देगी। इज इट राइट? डर निकल जाएगा। मूलाधार रूट चक्र से डर ही तो निकालना है यहाँ रिट्रीट में, और यही नहीं निकलेगा रिलेशनशिप का डर, धोखे का डर, चीटिंग का डर, तो फिर आप ठीक कैसे होगे मुझे बताओ? ट्रस्ट करने का आप बोलते हो मुझे किस पे भरोसा नहीं होता है, मैं किसी पे ब्लाइंड फेथ नहीं कर सकती, यही तो डर है आपका। है क्या अपना मुझे बताओ? आज आप हो कल नहीं रहोगे यहाँ पे, आपकी बॉडी नहीं रहेगी, आपका माइंड नहीं रहेगा, आपका सोल नहीं रहेगा, मतलब फिर कौन सी चीज़ परमानेंट है यहाँ पे? फिर डर किस चीज़ का है आपको? कौन क्या ले जाएगा? वो ले जाएगा जिसका जो है। इज इट राइट और नॉट? हमारे में कहते हैं कि जब ऐसे हिल स्टेशन पे आते हो, मतलब ऐसे ऋषिकेश या ऐसे जगहों पे जाते हो ना, तो जो कपड़े आप पहन के आए हो ना, जाते वक्त ये कपड़े डोनेट करना, ऐसे लोग कहते हैं। तो मैं काफ़ी बार ऐसे कर चुका हूँ, जब भी मैं आता हूँ कपड़े जो भी लाता हूँ, जाते वक्त यहाँ सब स्टाफ को देके चले जाता हूँ,
बिकॉज कहीं ना कहीं आपने डिटॉक्स किया है कि नहीं, अपने नेगेटिव एनर्जी को बाहर निकाला, तो ये कपड़े कहीं ना कहीं डोनेट करोगे तो दे विल टेक योर पेन, इज इट राइट? आप फ्री हो जाते हो यहाँ से. सी कितना साइंस है हर चीज़ के पीछे, हमने तो कभी सोचा नहीं. लोग यहाँ बाल क्यों मुंडवाते हैं, कुछ तो रीज़न होगा ना. हेयर्स में मेमोरी है कि नहीं, आईज में मेमोरीज है कि नहीं आपके रूट चक्र की, इज इट राइट? तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी करोगे ना, तो जो दो जगह से मेमोरी सबसे ज़्यादा निकलेगी, कहाँ? एक तो बालों से निकलेगी और दूसरी आँखों से मेमोरी निकलेगी. जो भी आपने पकड़ के रखा है अपने आँखों की कैमरे में, जो चीज़ें कैच की है ना, मेरे साथ धोखा हुआ है, मैं बाढ़ में चला गया, एक्सीडेंट से मर गया, ये सब चीज़ें जो आपने कैच करके रखी है, ये रिग्रेशन में शायद आप देखोगे, और नहीं भी देखोगे लेकिन रिलीज़ करोगे आप. और ये जो सिंबल्स हम सिखा रहे हैं ना, वो रिलीज़ करने के लिए सिखाते हैं, तभी तो फ्री हो पाओगे कि नहीं. सिर्फ एफर्मेशन से 100% नहीं निकलता कि हाँ मैं फ्री हूँ, मैं फ्री हूँ, ऐसा थोड़ी, ये तो सब बोलते हैं. कुछ तो पुरुषार्थ करना पड़ेगा कि नहीं, कुछ तो एक्स्ट्रा करना पड़ेगा कि नहीं, इज इट राइट और रॉन्ग? तो यहाँ पे हम साइकिक सर्जरी करेंगे, मास हीलिंग करेंगे, पास्ट लाइफ रिग्रेशन करेंगे, और जो भी एक्टिविटीज़ यहाँ पे आपके लिए ज़रूरी है वो करेंगे. सिर्फ आपको यहाँ पे एक चीज़ नहीं करनी है, दैट इज़ कंपेयर नहीं करना है कि उसका ये किया मेरा ये क्यों नहीं किया, ये नहीं करना है, इज इट राइट? बिकॉज काफ़ी बार आपको लगेगा मेरे पार्टनर का वूम रिग्रेशन किया, मेरा तो पास्ट लाइफ किया, मेरा वूम रिग्रेशन क्यों नहीं किया, उसको तो देखो वूम में कितना रिजल्ट मिला, शायद मेरा भी वूम रिग्रेशन करते तो अच्छा होता. ऐसा प्लीज़ कंपेयर मत करना, इज इट राइट? हम क्रिस्टल्स का भी जो सजेशंस आपको वेरी स्पॉन्टेनियस देंगे कि आपको अगर चाहिए तो आप माला पहन सकते हो, पेंडेंट पहन सकते हो, या क्रिस्टल कुछ भी पहन सकते हो, तो उसमें आपका एनर्जी एनहेंसमेंट होगा, एम्पलीफिकेशन होगा. जो आप नेगेटिव एनर्जी को नहीं निकाल सकते, क्रिस्टल बहुत ईजिली निकाल पाएगा. समझ में आ रहा है कि नहीं? अभी मैं भी इतने साल से देखो इतने सारे क्रिस्टल्स पहन रहा हूँ, जो मैंने अभी आपको बताया, मुझे ये नया बनाना पड़ा सन क्रिस्टल, ये है ना इमरजेंसी में. तो ये सारी चीज़ें क्यों हैं? बिकॉज इट प्रोटेक्ट्स अस, ये हमारी एनर्जी को एम्पलीफाई करता है, हमें पूरी तरह से एक शील्ड बना देता है. तो कोई भी यहाँ पे किसी का एक नेगेटिव एनर्जी निकल रहा है ना, तो हमारे अंदर नहीं जाएगा वो, इज इट राइट? वी हैव टू प्रोटेक्ट और नॉट अवर सेल्फ, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. अभी मैं वहाँ पे भी जाता हूँ, सिद्धिविनायक जाता हूँ, तिरुपति जाता हूँ, या वैष्णो देवी जाता हूँ, या कलकत्ता के टेंपल में जाता हूँ, मैं देखता हूँ काफ़ी लोग है ना डिटॉक्स करते हैं, खुद की नेगेटिव एनर्जी को बाहर निकालते हैं. लेकिन वहाँ टेंपलों में, गुरुद्वारा में, चर्च में एनर्जी बहुत पॉजिटिव होती है, आप प्रोटेक्ट हो जाते हो दरगाह में. लेकिन यहाँ तो ऐसा नहीं है ना, यहाँ तो खुला पड़ा हुआ है सब कुछ. तो कहीं ना कहीं आपको प्रोटेक्ट करने के लिए क्रिस्टल का, रुद्राक्ष का, जेमस्टोन का कुछ तो सहारा लेना पड़ेगा आपको. यू कैनॉट टेल मी मैं इसमें बिलीव नहीं करता या मुझे विश्वास नहीं, इट्स अ साइंस. ये हर एक की अपनी फ्रीक्वेंसी है, ये पन्ना की अपनी है, ये जुपिटर की अपनी फ्रीक्वेंसी है, पुखराज की अपनी फ्रीक्वेंसी है, ये डायमंड की अपनी फ्रीक्वेंसी है. तो जो ऑरा में हम आपको गाइड करेंगे कि आपकी ये फ्रीक्वेंसी लो है और इस फ्रीक्वेंसी को राइज करने के लिए ये आपको पहनना है, तो पहनना है. इफ़ यू एक्सेप्ट इट, यू विल कम आउट ऑफ इट. आप बोलोगे नहीं मुझे नहीं पहनना, तो इट्स ओके, डजेंट मैटर. जैसे हम डॉक्टर्स दवाइयाँ लिख के देते हैं, पेशेंट्स लोग नहीं भी लेते दवा, हम फोर्स नहीं करते, लेकिन बाद में उन्हें रियलाइज़ होता है, काश मैंने वो दवाई खा ली होती तो शायद ये इतना इन्फेक्शन आगे नहीं बढ़ा होता, इतना प्रॉब्लम मेरा आगे नहीं बढ़ा होता. इज इट राइट और रॉन्ग? ठीक है. सो आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर. हम आपको डिवाइड करेंगे, मे बी हम ज़्यादा टाइम यहाँ पर नहीं मिलेंगे, बिकॉज एक बार डिवाइड होने के बाद हम अलग अलग ग्रुप में चले जाएंगे. सो डजेंट मैटर, हमारी अपनी जर्नी है. मतलब इस रिट्रीट में एक चीज आपको स्पेशली करनी है, सेल्फ एक्सप्लोरेशन, जिसको जाति स्मरण कहते हैं जैनों में, जिसको सेल्फ रियलाइजेशन कहते हैं बुद्धिज्म में, हिंदुइज्म में. हमें अपने आप को जानना है यहाँ पे, और जितना सेल्फ के साथ टॉक करोगे, साइलेंस में रहोगे, तो आप अपने आप को समझ पाओगे. मैंने क्यों इतने 99 विजिट ऋषिकेश में किए हैं, इसका रीज़न है अपने आप को जानने के लिए. और जब जब मैं अपने आप को जानने की कोशिश करता हूँ ना, मेरी पता नहीं एक पास्ट लाइफ खुल जाती है. मैंने अभी तक 147 पास्ट लाइफ देखी है, सोचो. और मेरी पास्ट लाइफ के वजह से आप लोग यहाँ पे हैं, बिकॉज मेरी फाइलें खुली है, आप अट्रैक्ट हुए. ऐसा नहीं कि आपने कोई मार्केटिंग करके या कोई अलग अलग टेक्निक यूज़ करके आपको यहाँ पे बुलाया, ऐसा नहीं है. ये एक जरिया है कि हम फाइल्स ओपन करते हैं, हम अट्रैक्ट करते हैं और हम उसको डिसॉल्व करते हैं, इज इट राइट? हमें कॉर्ड कट करना है, हमें कर्म से फ्री होना है,
अदरवाइज आप लोगों के लिए मुझे वापस जन्म लेना पड़ेगा, आपको मेरे लिए वापस जन्म लेना पड़ेगा, आपको एक दूसरे को क्लियर करने के लिए वापस जन्म लेना पड़ेगा। और नहीं लेना तो ये बहुत ईजी तरीका है कि आप उसको हीलिंग से फॉर्मेट कर दो, इस रिट्रीट में फॉर्मेट कर दो। हम अपनी फैमिली से खुश है, हमें कोई अपनी फैमिली चेंज नहीं करनी है, हमें कोई अपने हस्बैंड वाइफ बच्चों को निग्लेक्ट नहीं करना है, कोई संन्यास नहीं लेना है, आश्रम में नहीं रहना है, ऐसा नहीं। हम जहाँ पे भी हैं हम बेस्ट हैं, लेकिन हम और बेस्ट दे सकते हैं जब हमारा कर्मा क्लियर होगा। एम आई राइट? जब हम क्लियर करके अपने ही फैमिली में वापस जाएंगे, आप अच्छी तरह से उनके साथ रह पाओगे कि नहीं? राइट? आप अपने प्रोफेशन में बेस्ट करोगे, आप अपने स्पिरिचुअल जर्नी में बेस्ट करोगे, आप चाहे जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, जो भी करते हो, आप अपना एक बेटर वर्जन बनाओगे। तो यहाँ पे आपको करना क्या है? बेटर वर्जन बनाना है। आपको अपने नेक्स्ट लेवल पे जाना है, किसी के नेक्स्ट लेवल पे पहुँचना नहीं है। किसी को टारगेट मत रखना कि मैं ये बंदे से बहुत इंप्रेस्ड हूँ, मुझे बस इनके जैसा बनना है। ये ऐसा टारगेट कभी मत रखना। जब मैं NLP सिखाता था, माइंड पावर में लोगों को कहता था इसको रोल मॉडल बनाओ और इस इंसान के जैसे बनने की कोशिश करो, लेकिन जब से मैं ये स्पिरिचुअल रिसर्च में आया हूँ, मैं किसी को रोल मॉडल नहीं बनाता हूँ, बिकॉज हर एक की अपनी जर्नी है। अगर आपने किसी को रोल मॉडल बनाया कुछ उसकी पॉजिटिव अचीवमेंट के वजह से, आपको पता नहीं उसने कितने पापड़ बेले हैं उस तक पहुंचने के लिए, उसने कितने कर्म क्लियर किए हैं, उसने कितने अपनी लाइफ को टॉर्चरिंग किया है। तो अगर आपने उसको रोल मॉडल बनाया तो आपको भी वो टॉर्चरिंग से गुजरना पड़ेगा। वाई टू डू दैट? वाई टू फॉलो एनी वन? फॉलो द पाथ, डोंट फॉलो द पर्सन। इज इट क्लियर? तो आपको ऐसा नहीं कि अगर आप डॉक्टर उदेशा के टॉक से बहुत खुश हैं और यहाँ पे आए हैं तो मुझे भी रोल मॉडल मत बनाना, बिकॉज मेरी भी लाइफ जर्नी बहुत टफ रही है, बहुत मतलब बहुत अप्स एंड डाउन्स रहे, आज भी मेरे साथ अप्स एंड डाउन्स होता है। तो अगर आप मुझे रोल मॉडल बनाओगे कि नहीं हमें भी एक दिन डॉक्टर उदेशा के जैसे ऐसे एक मिशन चलाना है, ऐसे टॉक देना है, ऐसे टीचर बनना है, तो सोच लो कि जो मैं गुजर चुका हूँ आपको भी वो गुजरना पड़ेगा। लेकिन मैं सोचता हूँ ये बेकार है किसी को फॉलो करना। इज इट ओके? आप जहाँ पे भी हो आप बेस्ट हो। भगवान ने आपको बहुत अच्छी पोजीशन दी है, अच्छी फैमिली दी है, आपको मेल बनाया या फीमेल बनाया वो भी भगवान ने बहुत अच्छा किया है, बिकॉज आपने लाइफ बिटवीन लाइफ जो डिसाइड किया है कि मुझे नेक्स्ट लाइफ में ये करना है, उस हिसाब से आपको फैमिली दी है, जेंडर दिया है, एजुकेशन दिया है और आपको रिलेशनशिप में डाला है। तो गिव योर बेस्ट, दैट्स द ओनली वे आउट। इज इट राइट? कहीं भागना नहीं है, कोई बाईपास नहीं करना है, कोई प्रोफेशन को चेंज नहीं करना है, कोई फैमिली को चेंज नहीं करना है, लेकिन इसी में हम मस्त रहेंगे। क्यों? क्योंकि जो फैमिली मेंबर को आप छोड़ के यहाँ पे आए हो, यहाँ से जाने के बाद उन्हें ही बेस्ट सर्विस देनी है, उनके लिए यहाँ दुआएं करनी है, उनके लिए यहाँ पे हीलिंग प्रे करना है, ताकि आप वहाँ पे पहुँचो वो आपका बहुत अच्छे से वेलकम करें। इज इट राइट? भले वो आपसे कितने भी नाराज़ थे या आप उनसे नाराज़ होकर यहाँ पे आए हो, डोंट कर्स देम, नहीं तो आपका लेवल डाउन हो जाएगा। इज इट राइट? मैंने सबसे ज़्यादा हीलिंग या प्रेयर लाइफ में उनके लिए की है जिन्होंने मुझे डिच किया है, जिन्होंने मुझे बैक बिचिंग किया है। मैं उनके लिए सबसे ज़्यादा दुआएं करता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं समझ गया कि उन्होंने कुछ तो भी एक नेगेटिव एनर्जी मेरे पीछे छोड़ी है। मेरा ऑप्शन क्या है? या उस नेगेटिव एनर्जी को मैं एब्जॉर्ब करूँ, उनको कर्ज करूँ, या उसी नेगेटिव एनर्जी को मैं पॉजिटिवली लूँ और उनको मैं दुआ करूँ। यू टेल मी, व्हाट इज़ द बेस्ट ऑप्शन? सेकेंड? इज इट राइट और रॉन्ग? तो मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिन्होंने भी जो भी आपको नेगेटिव चीज़ दी है ना, अच्छे से स्वीकार लो। एक्सेप्टेंस, वेर इट गोज? इट गोज इनटू योर हार्ट चक्र, एंड इन दैट हार्ट चक्र आप उसको पॉजिटिवली ब्लेस करो। तो ट्रांसफॉर्मेशन हो गया कि नहीं? इज इट राइट? आप घर से जब कचरे को बाहर निकालते हो ना, तो किसी को अच्छा नहीं लगता, इवन नेबर को भी अच्छा नहीं लगता, क्या ये बाहर डस्टबिन रख दिया, कचरा रख दिया। इज इट राइट और रॉन्ग? तो आपको कोई कचरा बाहर नहीं निकालना है, उसको ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे करना है। क्योंकि जो भी छोड़ोगे ना, ये मार्केटिंग टीम वाले को पता है, ये लोग है ना हैशटैग बनाते हैं, आपको पता है? कोई भी आपका पोस्ट रहता है ना, वीडियो, तो हैशटैग पे डालते हैं ये लोग, एक क्लाउड बनाते हैं, हैशटैग स्पिरिचुअलिटी, हैशटैग साईं, ऐसे करके बनाते हैं। तो अगर आप कुछ नेगेटिव छोड़ोगे ना, हैशटैग कर्स, हैशटैग इनसिक्योरिटी, हैशटैग फियर में आपका डाटा जाएगा, और आपको उस हैशटैग को क्लियर करना पड़ेगा, आपको वो क्लाउड क्लियर करना पड़ेगा, और कोई आपके लिए क्लियर नहीं करेगा। तो हम ऐसा क्लाउड बनाए क्यों? पिछले लाइफ में बना लिया, नॉलेज नहीं था, समझ नहीं थी, ज्ञान नहीं था। इज इट राइट? आज तो सब है ना आपके पास। तो जो भी आपने अपने अकाउंट में जो भी नेगेटिव हैशटैग डाला हुआ है,
वो सारी यिन एनर्जी को यांग एनर्जी में फोटॉन्स के थ्रू, हीलिंग के थ्रू, प्रेयर के थ्रू, मंत्र के थ्रू, एफर्मेशंस के थ्रू उसको पॉजिटिव करके आप उसको रिलीज करो। कोई तो पॉजिटिव पकड़ेगा कि नहीं आपकी चीज़, और जो भी पकड़ेगा वो कहेगा पता नहीं किसकी दुआ मुझे काम आ गई, मेरा काम तो हो नहीं रहा था लेकिन किसी के तो दुआ काम आ गई। सो गिव दैट अनकंडीशनल लव, गिव दैट अनकंडीशनल फोटॉन्स एनर्जी टू ईच एंड एवरी पर्सन अराउंड यू, इज इट राइट? हमने भी जितने भी यूट्यूब पे टॉक को छोड़े हैं, शायद आप लोग ने उसको पकड़ा और शायद आप उसी के वजह से यहाँ पे हो, इज इट राइट और रॉन्ग? तो जब हमने कुछ छोड़ा, आपने अच्छी चीज़ें पकड़ी, यहाँ पे आए, आप कुछ अच्छी चीज़ यहाँ पे छोड़ के जाना, अच्छी चीज़ अपने घर में छोड़ना, फैमिली के लिए छोड़ना, वो लोग पकड़ेंगे, डेफिनेटली आपको दुआएं मिलेंगी, एंड दैट्स द बेस्ट जर्नी ऑफ द लाइफ। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, आई होप द सेंट्रल आइडिया इज क्लियर, इज इट राइट? जो भी यहाँ अनकंफर्टेबल है, टेक एज अ चैलेंज, टेक एज अ पार्ट ऑफ योर ट्रीटमेंट। कुछ तो आपके साथ गड़बड़ हो रहा है, होने दो, यहाँ पे टूट जाओ, जितना टूट सकते हो टूट जाओ करके। हॉस्पिटल में भी जाते ना तो डॉक्टर ऐसा इजीली ट्रीटमेंट नहीं करते, सलाइन चढ़ाते हैं, अपनी वेन्स टॉर्चर करते हैं, कोई ट्रैकियोस्टोमी करता है, कोई ऑक्सीजन लगा देता है ना, कोई करंट देता है ना, कोई हायर एंटीबायोटिक छोड़ता है, तो बोलते हैं अरे हम तो ठीक होने के लिए, ये सब क्या कर रहे हो? तो स्पिरिचुअलिटी में भी ना आपको नहीं समझेगा कि ये कैसे गुजरना पड़ेगा, यही चीज़ें हैं जिससे आपको बाहर आना है, यही चीज़ें आपको काम में आने वाली, इसको अवॉइड नहीं करना कि नहीं मुझे इससे दूर रहना है, मुझे ये नहीं चाहिए, ऐसा मत बोलना। या जो योगा सुबह होगा 6 to 7, मेडिटेशन होगा, रिग्रेशन होगा, साउंड हीलिंग होगी, जो भी यहाँ पे होगा ना, प्लीज़ पार्टिसिपेट हियर, डोंट अवॉइड इट, इज इट राइट? यहाँ जो एक्टिविटी होगी, समझ लो ये एक डिवाइन प्लेटफॉर्म, भगवान ने एक स्वर्ग बनाया है धरती पे हमारे लिए, और इस स्वर्ग में हमें कर्म सारे क्लियर करके निकल जाना है, राइट? यहाँ पे अवॉइड नहीं करेंगे, नहीं मुझे क्लास में नहीं बैठना है, मैं तो रूम पे बैठूंगी, हम फोर्स नहीं करेंगे, बट इट्स योर मैटर ऑफ चॉइस। समझ में कि नहीं? कहाँ समय कम डालना है, खाने में समय कम डालना है, बातों में समय कम डालना है, अपने रूम में गपशप करने में समय कम डालना है, फटाफट निपटा के यहाँ पे आके बैठ जाओ मेडिटेशन पे। और ये जगह इतनी अच्छी है कि अगर एक्स्ट्रा समय है तो गंगा तट पे बैठो, गंगा स्नान करो, गंगा आरती करो, इतने गुरुओं की ब्लेसिंग है, दुआएं हैं, तो आपको सही में मज़ा आएगा यहाँ पे। ऐसा नहीं कि इसी जगह पे आपको कोई फ़ायदा होगा, यहाँ कहीं पे भी घूमोगे आपको बहुत अच्छी अच्छी एनर्जीज मिलेगी, इज इट ओके? बट अनवांटेड चैटिंग मत करो, अनवांटेड फ़ोन कॉल्स मत करो, हम कोई आपके मोबाइल दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के जैसे जब्त नहीं करने वाले, बंद नहीं करने वाले, बट आप खुद सोच लो कि क्वालिटी टाइम यहाँ स्पेंड करोगे तो बहुत मज़ा आएगा, इज इट ओके? खाना भी कम खाओगे तो डेफिनेटली मेडिटेशन में मज़ा आएगा, रिग्रेशन में मज़ा आएगा, ज़्यादा देर तक यहाँ जाग पाओगे, सुबह जल्दी उठ पाओगे, ना तो लेजीनेस रहेगा, लिथार्जिकनेस रहेगा, तो रिट्रीट में ना थोड़ा आपका डाउन हो जाएगा, इज इट राइट? बाकी जो भी क्लिंजिंग प्रोसेस यहाँ हो रहे ना, होने दो, डोंट ट्राई टू रेजिस्ट इट, कोई रोक टोक मत करो, अपने आप को भी मत करो और प्रोसेस को भी मत करो, ऑनेस्टली, क्योंकि जब वाइब्रेशंस आते हैं ना यहाँ पे, चक्रस की ऑसिलेशंस चेंज होती है, तो बहुत उथल पुथल हो जाती है अंदर, क्यों? क्योंकि यहाँ गंगा तट पे क्या है बताएं, वाटर एटॉमिक मॉलिक्यूलर है जो प्योरिटी में डिवाइन एनर्जी के साथ है, और आपके ब्लड स्ट्रीम में या आपके लिम्फेटिक में ना कुछ केमिकल्स है, अनवांटेड कोई नेगेटिव एनर्जी है, तो दो मॉलिक्यूल्स जब एक दूसरे के साथ वाइब्रेट करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं तो उथल पुथल होगा कि नहीं, समझ पा रहे कि नहीं? क्योंकि एक तो ईथर यहाँ प्योर है, आपका ईथर अभी भी क्लियर नहीं है, एक वाटर यहाँ पे प्योर है, तो ईथर एंड वाटर का यहाँ बहुत यूनिक संगम है, जो मैं हर अपनी रिट्रीट में कहता हूँ, जो कहीं नहीं मिलेगा। हम दूसरे जगह पे भी अगर रिट्रीट कर लेते, वृंदावन में, शिरडी में, वहाँ पे भी ईथर एंड वाटर का कॉम्बिनेशन कहीं पे भी नहीं है, इज इट राइट? धरती भी बहुत प्योर है यहाँ पे, ये भी एक फ़ायदा है, लेकिन जब भी आप गंगा स्नान करोगे आपको फील होगा, मेरे अंदर की कुछ तो मेमोरी रिलीज हुई है, मेरा कुछ तो इम्यूनिटी राइज हो गया है, मेरा कुछ तो ब्लड केमिस्ट्री में से टॉक्सिन्स बाहर आ गया है, और सही में आपको मज़ा आएगा। सो यहाँ के हर प्रोसेस को ना बहुत इंजॉय करो, और जो आपका रिक्रिएशन वाला पार्टनर होगा, ये मत सोचो ये क्यों कर रहा है, मुझे तो उससे करवाना था, मुझे तो ऐसे करना था, मुझे तो वो करना था, आप 5 दिन दिमाग मत लगाओ, एक डिवाइन माइंड को काम करने दो आपके ऊपर, हम भी दिमाग नहीं लगाते, मतलब अगर आप मुझे भी कुछ पूछोगे सर मेरे लिए आप क्या सजेशन दे रहे हो, मैं कुछ नहीं बता पाऊंगा अभी आपको, कुछ भी नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि उस टाइम पे गाइडेंस आएगा जब वो राइट टाइम होगा, इसके बीच में आप कुछ भी पूछोगे शायद मैं भी डिस्टर्ब हो जाऊंगा, बिकॉज वो फ्लो नहीं है ना, समझ में आए कि नहीं? तो वेट फॉर द राइट टाइम टू
get the right answer and take the action once you get the answer. Don't neglect that answer. Is it okay? एक action आपने लिया यहाँ के यहाँ आकर, अब दूसरा action यहाँ के process के लिए लेना. जो भी आपको, अगर आप basic में हो तो यहाँ के process करना, advanced में हो या PLR therapist में हो या aura में हो, आप बस surrender हो जाना. Don't use your mind, don't compare the different retreats कि काश मैं उसमें होता तो अच्छा होता, काश इस दूसरे, ऐसा कुछ नहीं है. आप जहाँ पे भी रहोगे बेस्ट है आपके लिए, राइट? यू गिव योर बेस्ट, यू विल गेट द बेस्ट. दैट्स द बॉटम लाइन ऑफ द स्टोरी. ओके, सो एनी क्वेश्चन बिफोर आई एंड? किसी को कुछ पूछना है आप पूछ सकते हो, बिकॉज हम बहुत रेयरली ऐसे मिलेंगे वापस. एक बार हम जुदा हो जाएंगे सब लोग अलग अलग क्लास में, फिर शायद हम एक दूसरे को मुश्किल से मिल पाएंगे. तो किसी को अभी भी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, आप पूछ सकते हो. यस, हाँ, राइट, हाँ, हमको सफरिंग देना नहीं है, हमको उस सफरिंग को ट्रांसफॉर्मेशन करना है. मैंने आपको यही कहा है ना. अब आप देखो, एक एग्जांपल मैं आपको बोलता हूँ. कुछ लोग है ना टोबैको खाते कि नहीं, तंबाकू खाते नहीं. अब कुछ लोग तंबाकू ना अंदर ले लेते हैं और कुछ लोग बाहर थूक देते हैं. तो बाहर थूकने वाले किसको पसंद आते हैं? कोई स्पिट करता है तो पसंद आता है हमें कि क्या थूक दिया इसने? नहीं आता है कि नहीं? तो जैसे हमने कोविड में भी ना किसी को वायरस दे दिया, इन्फेक्शन, तो सामने वाले को तकलीफ हुई कि नहीं? इज इट राइट? हमें कोविड हुआ, हमें पॉजिटिविटी हुई, हमने अपनी इम्यूनिटी बढ़ा दी, तो वो वायरस खुद पॉजिटिव हो गया. इज इट राइट और रॉन्ग? तो यहाँ ये एफर्मेशन देना है, मेरे अंदर जो भी विकार हैं, जो भी नकारात्मक ऊर्जा, विचार, भाव है, जो भी मेरे साथ हादसे हुए हैं, आज मैं उसको सकारात्मक तरीके से स्वीकार करके उसको रिलीज करता हूँ. सकारात्मक करके रिलीज करना है, उस नेगेटिव को ऐसे रिलीज नहीं करना है. आप देखते हो काफ़ी मंदिरों के बाहर गंदगी होती है ना, पसंद नहीं आता मंदिर में जाके, क्योंकि वो गंदगी निकालते हैं ना. इसलिए वास्तु के हिसाब से कहते हैं कि मंदिरों के पास घर लेना भी नहीं चाहिए आपको, बिकॉज डिटॉक्सिफिकेशन होता है ना वहाँ पे. सब प्रेयर करके अंदर पॉजिटिविटी लेते हैं, लेकिन बाहर सब नेगेटिविटी फेंक देते करके. तो ये जो सफाई है ना, जो आत्मा की सफाई है, शरीर की सफाई है, मन की सफाई है, ये आप खुद करनी है. यहाँ पे कोई करेगा नहीं यहाँ पे. तो क्लोजर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हम डॉक्टर के पास भी कहते हैं ना, सर डॉक्टर आपने टाके मारे, लेकिन एक टाका खोल गया तो फिर वो वहाँ इन्फेक्शन हो जाता है, तो फिर वो टाका अच्छे से बंद करता है. इज इट राइट? जब मैं ऑपरेशन थिएटर में था 95 से 98, तो काफ़ी बार मैं देखता था कि पहले ना हम लोग कैटगट के टाके देते थे. कैटगट का मतलब गोट होता है ना, गोट, उसकी चमड़ी के टाके देते थे. तो वो टाके चमड़ी में मिक्स हो जाती थी तो स्कार नहीं आते थे. फिर कुछ लोगों को हम ना नायलॉन से स्टिच करते थे तो वो लाइफ लॉन्ग स्कार रह जाते थे. तो वो पेशेंट कभी भी आके बोलते, क्या डॉक्टर क्या ऑपरेशन किया, स्कार तो रह गया. इज इट राइट? बाद में ना हम उस टाइम पे 98 में क्लिप सिस्टम आ गई, स्टेपलर की सिस्टम आ गई, तो फिर हम स्टेपल करने लगे. तो स्टेपल को कैसे है ना, बाद में हम निकाल देते ना, फिर कुछ स्कार नहीं रहते. तो हमें कोई स्कार नहीं छोड़ना है, कोई जख्म छोड़ने नहीं है, कोई खुले नहीं रखने हैं, हर चीज़ को अच्छा करके यहाँ से जाना है. इज इट राइट? दिस इज़ अ सोल सर्जरी. ये आपका आत्मा का हॉस्पिटल है, यहाँ पूरी अच्छी से ट्रीटमेंट करके जाओ. बीमारी को लेके नहीं जाना है, बीमारी को यहाँ सकारात्मक ट्रांसफॉर्मेशन करके जाना है. और सब में है, सबके अंदर कुछ ना कुछ तो है, मेरे अंदर भी है, आपके अंदर भी है. ऐसा मत सोचना कि भाई आप में ही प्रॉब्लम है, बाकी सब अच्छे हैं, ऐसा नहीं है. हर एक के अनलर्न लेसन अलग है, हर एक के अंदर इनसिक्योरिटी अलग है, ईगो अलग है, जलसी अलग है, हेट्रेड, रिवेंज, सब अलग 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 क्लास है. लेकिन और हमें ये स्टेक में समझा देंगे आपको कि क्या है और किस पे ज़्यादा काम करना है. आप बोलेंगे नहीं मुझे नहीं लगता मेरे अंदर ये, अगर ये मशीन शो कर रहा है मतलब है. यू कैन नॉट डिनाई दैट. इज इट ओके? वी आर बायस्ड, मतलब हम कोई प्री जजमेंटल या आपको है ना हमारे इंट्यूशनली नहीं बोलने वाले. हम अपनी कोई साइकिक एबिलिटी से आपको गाइड नहीं करने वाले, हम टेक्नोलॉजिकली गाइड करेंगे. और ये साई करुणा मिशन की एक यूनिकनेस है कि वो टेक्नोलॉजिकली गाइड करता है, ऐसे ही आपको कोई नहीं करेगा. तो ये मत बोलना कि नहीं नहीं ये आपको लगता है, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं है. इज इट ओके? बिकॉज मुझे ये लगता है ना कि टेक्नोलॉजी इज इन द जीरो फ्रीक्वेंसी. उसे कोई पता नहीं कि रामदेव बाबा का ऑरा है. आज मैंने सुबह सुबह नरेंद्र मोदी का ऑरा मेरे फेसबुक पे डाला, तो जो भी ऑरा है वो है. इज इट राइट?
मैं अपना भी ऑरा करवाता हूँ और जो भी ऑरा आता है मैं दिखा देता हूँ, ये मेरा ऑरा है। ऐसा नहीं कि उसको कुछ मैन्युपुलेट करके मैं दिखाऊंगा कि देखो मेरा कितना एनलाइटन ऑरा है, ऐसा नहीं है करके, राइट। पिछले 1.5-2 महीने में मेरा गला बहुत ख़राब था और मैंने बहुत हीलिंग की, बहुत साइकिक सर्जरी की, मैं सर्वाइव हो रहा था लेकिन ठीक नहीं हो रहा था। मैंने 3 बेस्ट बॉम्बे के स्पेशलिस्ट को दिखाया, थ्रोट ENT स्पेशलिस्ट को, उन्होंने मेरी सब चेकिंग की, थ्रोट चेक किया, एंटीबायोटिक बहुत सारी दी, मेरा थ्रोट ठीक नहीं हुआ करके। फिर एक दिन ना मैं बहुत ध्यान में बैठा और मैंने अपने आप को पूछा कि क्या है ये चीज़, तो मुझे एक आंसर मिला कि तुम्हारी एक लाइफ कलकत्ता की थी जिसमें तुम्हें थ्रोट कैंसर हुआ था और तुम्हें उस जगह पे जाके, उस समाधि पे जाके रिलीज़ करनी है। तो मैं 5 दिन अभी वहाँ गया उस जगह पे और मैंने वो रिलीज़ किया, फिर मेरा गला एकदम खुल गया, नहीं तो आज मैं टॉक भी नहीं दे पाता। सी, यू हैव टू टेक दैट एफर्ट्स, यू गॉट माई पॉइंट। हाँ, वेन इन मेडी एनी टाइम यू विल गेट द मैसेज। मैंने क्या ना, दिस इज कॉल्ड अ ट्यूनिंग, ट्यूनिंग ऑफ योर डिवाइन माइंड विथ योर कॉन्शियसनेस। मतलब कोई आंसर दे रहा है, आप पकड़ रहे हो कि ना, अभी यहाँ नेटवर्क नहीं आता, हम बाहर जाते, अरे इतने व्हाट्सएप के मैसेज आए, कोई कनेक्शन मिला कि नहीं। मैसेज तो पहले किसने छोड़ के रखा था लेकिन नेटवर्क ही नहीं था तो कोई मैसेज ही नहीं, बाहर जाते मैसेज आते। तो आपको ऋषिकेश में बुलाया क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैसेजेस जल्दी मिलेंगे, यहाँ पे ईथर एलिमेंट पॉल्यूटेड नहीं है। हाँ, बॉम्बे में या बाकी इंडिया के हर पार्ट में कहीं ना कहीं ईथर एलिमेंट पॉल्यूटेड है, आंसर्स जल्दी नहीं मिलते लेकिन यहाँ पे मिल जाएंगे आपको, ठीक है। सो लेट अस टेक अ ब्रेक, लेट अस गो फॉर द लंच एंड आफ्टर दैट यू विल बी गाइडेड विथ योर इंडिविजुअल ग्रुप्स। तो ज़्यादा आप कन्फ्यूज मत रहना कि आप क्या करना है क्या करना है, आपको गाइड किया जाएगा। और कहीं पे अगर थोड़ा मिसमैनेजमेंट होता है तो समझ लो मेरी एनर्जी कहीं ना कहीं कम पड़ रही है, इसलिए मुझे गाइडेंस प्रॉपरली नहीं मिल रहा है, बाकी को कैसा सब कुछ बराबर मिला। सो एक्सेप्ट दैट थिंग ऑल्सो, मुझे लगता है वो चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे मुझे भी कल से रूम नहीं मिला तो मुझे और कहीं पे उतरना पड़ा, मैं बार बार मेरी टीम को पूछता हूँ मुझे परमार्थ में कब रूम मिलेगा, तो ये कहते जब मिल जाएगा तो बता देंगे। तो आई एम ऑल्सो वेटिंग फॉर इट, इट्स नथिंग न्यू फॉर यू और मी, एवरीथिंग इज़ यू नो पार्ट ऑफ द जर्नी। ये तो सब पता नहीं ऊपर वाले ने क्या लिखा है करके, मेरे को तो कितनी रिट्रीट में तो रूम भी नहीं मिलता है, मैं रात को पूछता हूँ किसी के रूम में जगह है, वो कहते एक बेड खाली है, मैं जाके उधर सो जाता हूँ। कितने बार मेरे टीम मेंबर्स को पता है, आई नेवर कीप एनीथिंग फॉर माई सेल्फ। समझ में आ रहा है कि नहीं? सो प्लीज़ बी ओपन, प्लीज़ बी इन द एक्सेप्टेंस मोड एंड प्लीज़ बी विद द फ्लो लाइक गंगा माँ। अगर यहाँ गंगा माँ से नहीं सीखोगे तो और कहीं नहीं सीख पाओगे आप। Is it okay? So thank you very much. I hope maza aa gaya. Thank you. God bless you.